हेलो वांशी लवर्स एंड ईशा लवर्स। तो गाइस कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस चलिए आज मैं फाइनली आपके सामने पार्ट वन लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। देख लिया अंजाम क्या होता है मुझसे पंगा लेने का? मेरा नाम शौजान है, द माफिया गैंग। ओहो, ये नॉर्मल ह्यूमन समझते क्यों नहीं कि जो मेरे रास्ते में आता है मैं उसे केवल दो ही काम करता हूँ, या तो ख़त्म कर देता हूँ या तो इस हालत में कर देता हूँ कि दोबारा वो मुझसे देखने से भी डरेगा। मुझे देखने के बाद उसकी रूह कांप उठेगी। उफ़, ऐसे हरकतें ये क्यों करते हैं? बेटा शांत हो जाओ, वो मर चुका है। जानता हूँ जायद वो मर चुका है और उसे यही डिज़र्व करना भी चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई वो करने की? हाँ, वो बहुत ज़्यादा खुद को स्मार्ट समझ रहा था ना, पर भूल गया गोली के सामने किसी की नहीं चलती। ये केवल एक ही भाषा समझता है, जो चलाता है बस उसकी। उसे इस गन को किसी की परवाह नहीं, बस ये ऑर्डर फॉलो करता है अपने मास्टर का। और मुझे ऐसी चीज़ें और लोग बहुत ही पसंद है डैडा, आई जस्ट लव इट। जान अब बस करो, जाओ रेडी हो जाओ, आज तुम्हें कॉलेज भी जाना है ना। हाँ डैडा, वो बुढ़ा प्रिंसिपल, उसने मुझे केवल एक महीने की छुट्टी दी। आपने मना किया था, वरना उस बुढ़े के सर पे गन रख के उससे एक साल की छुट्टी लेता। वो बुढ़ा खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है। मुझे ये वांग बुढ़ा पसंद नहीं। मेरा मन करता है कि मैं उसके सर पे गोली रख के सारी छः के छः गोलियां उसके सीने में उतार दूँ। पर वो बुढ़ा आपका दोस्त है, वरना कब को मारा जाता। शांत हो जाओ, तुम्हें जाना है कॉलेज, जाओ उठो तैयार हो। और हाँ, इस शर्ट को चेंज कर लेना, पूरा ब्लड से कवर्ड हो गया है। जान कहता है, कम ऑन डैडा, पहली बार नहीं है जिसे मैंने किसी को मारा है। बचपन से यही करता आया हूँ, माफिया किंग ऐसे नहीं बना हूँ। जानता हूँ कि तुम माफिया किंग ऐसे नहीं बने हो, पर एटलीस्ट कपड़े बदल के जा सकते हो तुम कॉलेज। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, आप न्यू हसान को कॉल कर दीजिए कि मैं उसे पिक करने आ रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ। 5 मिनट बाद रेडी होकर जान कॉलेज के लिए निकलता है। रास्ते में वो न्यू हसान को पिक करता है और तब न्यू हसान कहता है, ब्रो आज 1 महीने बाद कैसे, ईद का चांद हो गए आप तो, दिखे ही नहीं। तो फिर जान कहता है, हाँ मैंने 1 महीने में कम से कम 60 लोग को तो टपका दिया है। तो नी ब्रदर, क्या तुम्हें देखना है कि ये मेरी बंदूक चलती कैसी है? नहीं 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 जान ब्रदर, मैं ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। हम कॉलेज चलते जिसके लिए हम आए हैं। वैसे आप मास्क और हैट से खुद को कवर क्यों नहीं कर लेते? क्यों? वो जान ब्रदर, वो क्या है ना, कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर आपको बीमार पड़ गए तो आपको डस्ट से एलर्जी है ना, तो आप पहन लीजिए। देखो नहीं हो सांग, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी बातें मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझोगे। अगर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा होगा तो मेरी बंदूक और तुम्हारा सर चलेगा ना? नहीं, हाँ जानवेदन बिल्कुल चलेगा ना, आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पर, मैं झूठ नहीं बोला। चलो नहीं बैठो, हमें कॉलेज पे पहुंचना है। कॉलेज का एंट्रेंस खुलता है और जान और नी हसांग अंदर रहते हैं। सारी लड़कियाँ तो ऑफ कोर्स हैंडसम लड़कों पर तो क्रश रखती ही हैं, पर इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। लड़कियाँ जान से डरती भी हैं और उसे पसंद भी करती हैं। जान एक नंबर का फ्लर्ट है, नंबर वन फ्लर्ट है पूरे कॉलेज का और नंबर वन क्रश भी। पर आज वो कार पार्क करता है तो उसे कोई भी लड़की उसका वेट करते हुए गेट पे मिलती नहीं है। वो नीहसांग से पूछता है, वैसे
कंस्ट्रक्शन तो चल रहा, तुमने ठीक कहा, पर आज लड़कियां कहाँ हैं? एक भी दिखाई नहीं दे रही। आखिर ये कॉलेज में गई कहाँ सब? निहसांग कहता है, वो ब्रदर जान क्या है ना, एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है और वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो मुझे लगता है कि लड़कियाँ उसी के पीछे पड़ी होंगी। क्या वो एक अल्फ़ा है? नहीं नहीं ब्रदर जान, वो एक ओमेगा है। पर हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम आपका टाइप, मेरा टाइप। हाँ, इस दुनिया में ऐसा कोई ओमेगा नहीं है जिसने मेरी अटेंशन वैसे ग्रैब की हो। मैं केवल टाइम पास करता हूँ लड़कियों के साथ, पर मेरा टाइप का आज तक कोई ओमेगा मुझे मिला ही नहीं। ब्रदर जान, सच में आपको उसे एक बार देखना चाहिए, वो सच में आपके टाइप को बिलोंग करता है। अच्छा, तो कहाँ मिलेगा अभी? लाइब्रेरी में। क्या लाइब्रेरी में? तुम चाहते हो मैं उसके लिए लाइब्रेरी जाऊँ? 3 साल मैं इस कॉलेज में पढ़ चुका हूँ, आज तक लाइब्रेरी में कदम नहीं रखा, और तुम चाहते हो उस बेकार से ओमेगा के लिए मैं कदम रखूँ? नहीं ब्रदर जान, ट्रस्ट मी, आपको अपने नी ब्रदर पे ट्रस्ट करना चाहिए। मैं आपके लिए कभी गलत नहीं चॉइस रखूँगा, वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा हॉट है, इसीलिए सारे अल्फाज वहीं गए होंगे और बीटास भी। और रही बात ओमेगा की, तो वो सब तो जल रहे होंगे क्योंकि सारे अल्फा वहाँ होंगे, तो बीटास ओमेगा सब वहीं होंगे, उसे देखने के लिए सब लाइब्रेरी ही गए होंगे। वो क्या है ना, वो जो नया स्टूडेंट है ओमेगा, उसे पढ़ना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, एकदम किताबी कीड़ा है, हमेशा किताबों से चिपका रहता है, और उसके तो दोस्त भी नहीं बने हैं। कब वो एडमिशन लिया है, और उस बुढ़े ने एडमिशन दे कैसे दिया? वो सुना है कि उस बुढ़े का पोता है, ओह ग्रैंडसन है, तब तो उससे मिलना पड़ेगा। वैसे भी उसके ग्रैंडपा ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया है, लगता है उसके नेफियो को, उसके ग्रैंडसन को मुझे बंदूक का थोड़ा स्वाद दिखाना पड़ेगा। मुझे सच में अब तो उससे मिलने में बड़ा मज़ा आने वाला है, उस बुढ़ी का वो कुछ लगता है ये जानकर ही उससे मिलने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे। तो चलिए ब्रदर जान, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। वो दोनों वहाँ से लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं, और ये बस सस्ता, सारे ओमेगास अल्फास बीटास सब लाइब्रेरी के बाहर थे, अंदर थे, हर जगह थे। और जान इसे देखकर सोच रहा था, क्या ये सच में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि अल्फास और बीटास ऐसे भंवरों की तरफ घूम रहे हैं जैसे वो कोई ब्यूटीफुल सा फ्लावर हो? मुझे सच में उसे मिलना है। और वो केयरलेसली चल रहा था, और वो एक सीढ़ी से टकरा गया, ये बिना देखे कि उस सीढ़ी पे कोई पर्सन खड़ा है, और वो पर्सन सीधा ही जान पर गिर जाता है, और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। ये अलग बात है कि जान ने मास्क और कैप पहना हुआ था, इसकी वजह से उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच नहीं होते, पर कॉन्टैक्ट हो ज़रूर जाता है। और जान और वो पर्सन दोनों ही शौक, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो वो आंखें उन्हें जन्मों से याद हो, उनकी आंखों से जन्मों जन्मों का रिश्ता हो उन दोनों का, एकदम खो गए थे। निहसांग जल्दी से दौड़ कर वहाँ आता है और कहता है, ब्रदर जान आप ठीक हो, आपको लगी तो नहीं? और वो पर्सन भी जल्दी से उससे उठता है और अपने सर को नीचे झुका लेता है, और अभी सॉफ्ट सी वॉइस में कहता है, माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, हमारा गलत इरादा नहीं था, हम आपसे सॉरी कहते हैं। जान तो एकदम शॉक, अभी भी वो फ्लोर पे लेटा हुआ था, वो खड़ा होता है, उस पर्सन की तरफ वो देख रहा था, और तब वो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? अपनी भाई कोल्ड वॉइस में। वो पर्सन जान की तरफ देखता है प्यार से, अपनी आंखों को 3 बार ब्लिंक करता है, और एकदम क्यूटली कहता है, फांगीबो, मेरा नाम फांगीबो है, और आपका? जान, मेरा नाम शौजान है।
तुम कौन से स्टूडेंट की, कौन से ईयर के स्टूडेंट हो? मैं तो फ्रेशनर हूँ और फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं पर आप मेरे बारे में जानने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं और आपने अपने बारे में नहीं बताया? मैं यहाँ का सीनियर हूँ, सीनियर मोस्ट। ओह, तो इसका मतलब आपका ये आखिरी साल है। वैसे सीनियर, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और माफ़ कर दीजिए अगर मेरी वजह से आपको चोट लग गई हो। तो वो करके वहाँ से चला जाता है और जान बस खड़ा वहीं देखता रह जाता है उसे। निहसांग उसे शेक करता है। ब्रदर जान आप ठीक हो? क्या हुआ ब्रदर जान? तब जान कहता है, परफेक्ट, वो ब्यूटी मुझे चाहिए। नहीं ब्रदर, प्लान करो। और वैसे ये ब्यूटी सच में काफ़ी ब्यूटीफुल है, ये वांगी वो मुझे चाहिए। ऐसा करो, इसे उठा लो, तो मेरे आदमी को कॉल कर देना और कहना कि इसे उठा ले। मैं इसे खुद अपने घर में स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। वैसे भी इसके बुढ़े ग्रैंडपा ने मेरा सर बहुत ही ख़राब कर रखा है, तो मैं इसे उठा लेना चाहता हूँ। और मैं सच में चाहता हूँ कि मैं उसके साथ वो सब कुछ करूँ, पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई उससे मिलकर। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो पहले अब मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप चाहते हो मैं इसे कंटिन्यू करूँ या नहीं। तो गाइस, ऑलवेज लव वांगशिन एंड ईशान। बाय बाय गाइस, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।